अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत होंगे, बहुत खुश होंगे। तो ये जी सुबह हो गई थी, मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैं अप्पी के घर हूँ, वहाँ पे मैंने वन नाइट स्टे किया था और बस ऐसे ही रमज़ान थे, सो दैट्स वाई आई नहीं थी मैं काफ़ी टाइम से। तो उसने कहा कि आ जाओ और एक आध दिन रह के चले जाओ तो मुझे भी अच्छा लगेगा, उसकी भी तबीयत ख़राब होती है। तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ और थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उसकी, अदरवाइज़ वैसे तो मैं कुछ करवाती हूँ नहीं, वही करती है बेचारी सब कुछ, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि मैं ससुराल से जाती हूँ ना तो फिर वो खुद ही कर लेती है, वो मुझे बोलती नहीं कुछ भी कि तुम करो। सो पर फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प हो ही जाती है, बच्चों को संभालना हो जाता है इसलिए। तो ये देखे जी सूर्य बकरा हम लोगों ने लगाई हुई थी और ये बज रहे थे तकरीबन 6:30 से 7 बज रहे थे, हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी। बेटा मेरा सो नाउ मैं हो गई हूँ रेडी, ऐसे कैसी होए 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 इबू इबू देखो ओ चली चली छोटा इबू इबू इधर देखो इबू इधर देखो इबू इबू इब्राहिम छोटा छोटा बाबू लोई लोई कर लाए बाबू तो लोई लोई करता है ये बाबू लोई लोई करता है गुटुड़ा 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 तेरी बाबू को हाउ हो गया है क्या हाउ हो गया है बाबू को चौथे बाबू को हाउ हो गया हॉस्पिटल दिखाने के लिए और इनको हाउ हो गया है टमी पे दिखाओ आप टमी दिखाओ अपनी इब्राहिम उरेन को नहीं इब्राहिम को सॉरी इबू इबू इधर देखो इधर इबू को इधर हाउ हो गया है टमी पे इधर हाउ हो गया है मेरे इबू को है ना इबू इबू अले अले छोटा बाबू काला का बाबू किचके बाबू अब किचके बाबू चिमिंग पिपी 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 मशाल्लाह मशाल्लाह छोटा बाबू मीठी ले लो छोटे बाबू की किची कर लो सब लोग किची कर लो बाबू को किची कर लो बाबू को छोटा बाबू को किची कर लो किची कर लो किची कर लो करूं किची आपको आपको किची करूं मैं ओ ओ ओ ओ नो गंदी बात बेड मैनर्स अरे बाप रे नो 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 इबू इबू इधर देखो ओए या कौन है ये कौन है ये मिला इबू 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 बोल तो इबू बोल तो बोलतो इबू बोलतो ता 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 बोलो इबू ता ता बोलो ता 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 जी अब हम लोग दवाखान जा रहे हैं उरेन को इब्राहिम को दिखाने के लिए हॉस्पिटल क्योंकि इसको यहाँ पे दाद हो गया है टमी पे सो वो फैले ना क्योंकि छोटा बच्चा है इसलिए उसको फिर प्रॉब्लम होगी सो या मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ कपड़े मैंने चेंज कर लिए अब बुरखा पहनेंगे बुरखा पहन के हम लोग जाएंगे दिखाने इसको और जी उसके बाद मैं जाऊंगी घर पे क्योंकि हुरैन रो रही है अकेली है वो कल रात से मतलब उसकी दादा दादी पास है लेकिन मम्मा को याद कर रही है सो दैट्स वाई मैं वहीं से चली जाऊंगी और दी आ जाएगी दोबारा से रिटर्न घर है ना इबू हाँ जी तो चले चलते हैं हाँ जी तो इब्राहिम से बहुत सारी बातें कर ली थी आज हम लोगों ने क्योंकि वो मस्ती कर रहा था मस्ती के मूड में था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ काफ़ी प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से और उसको नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है सो मोस्ट ऑफली हम लोग उसको वीडियो में या फिर फ़ोटोज़ उसकी रखते नहीं हैं लेकिन माशाल्लाह बल्ला की मर्ज़ी तो ये देखे हम लोग को ऑटो मिल चुका था और रास्ते में जा रही थी मैं यहाँ से तो मैंने ये ले लिया था तो इसका मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगी कि फैब्रिक ग्लू क्यों लिया है मैंने वीडियो को देखते रहना मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूँगी कि मैंने फैब्रिक ग्लू क्यों लिया था सो या अब हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल अम्मी के घर जा रहे थे पहले अम्मी को जो सामान हम लोग लेके आए थे वो देना था हम लोगों ने सो पहले वहाँ पे जाएंगे अम्मी के घर थोड़ी देर रुकाएंगे उसके बाद हम लोग अम्मी को दे देंगे सारा सामान ये देखिए मैं घर जाने लगी हूँ तो घर पे अम्मी थे सिर्फ और कोई नहीं था हाँ मरियम थी
तुम लोगों ने सोचा कि उसको नहीं लेंगे, फिर वो बच्चा बिना फालतू परेशान हो जाता है धूप में, धूप काफ़ी होती है और रोज़े में थी मैं तो इसलिए, और मेरी दी छोटा बेबी है इसलिए वो रोज़े नहीं रखती है। तो यहाँ पे देखे हम लोग बातें कर रहे थे, अमीन कहा कि मरियम को भी वॉमिट हो चुकी है, तो हम लोग और टेंशन में आ गए कि पता नहीं अब इसको क्या हो गया। ऑलरेडी इब्राहिम तो परेशान हो ही रहा था दाद की वजह से, सो फिर इसने भी ज़िद करी कि खाला मुझे आपके साथ आना है, तो मैं क्या चलो फिर कोई बात नहीं, मैं हुरैन नहीं थी तो मैंने संभाल लिया दोनों को, मतलब इसको मरियम को और इब्राहिम को, पेट में ज़्यादा वो हो ना जाए, दाद फैल ना जाए, इसलिए हम लोग उसको फटाफट से लेके गए। छोटा ही था उसका दाद, लेकिन घर में हो रहा था सबको, इसलिए उसको चेप लग चुका था, तो हम लोगों को सोचा कि हम लोग फटाफट से उसको दिखा के आ जाते हैं, और दिखा के हम लोग रिटर्न आ चुके थे। और ये मैं घर जाने लगी थी, उसको किसने कुछ नहीं बताया, डॉक्टर ने सिर्फ है ना टुप लग कर दे दी है। तो मैं 1 बजे घर आ गई थी, तो हुरैन मुझे गले लग के ऊपर आ गई और ये फिर सो गई, पता नहीं उसको नींद आ रही थी शायद। और जी नमाज मैंने पढ़ ली है, क्योंकि नमाज का वक्त हो गया था, मैंने आते आते ही मुझे अजान हो गई थी, सो आके मैंने नमाज पढ़ ली, नहा कर तो मैं आई थी दी के घर से। और रास्ते में मैंने आप लोगों को दिखाया ये, तो ये फैब्रिक ग्लू है जो मैं लेकर आई थी। एक मैंने हुरैन के लिए एक सूट सिया था, आप लोगों को दिखाऊं मैं, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर जो देखें इस तरह से इसका ये गरारा है, ये मैंने खुद सिला था। अच्छी क्लियर पिक्चर मैं थंबनेल में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखें जी इसका ये टॉप है, ठीक हो गया, ये देखें ठीक है, ये टॉप है इसका, नीचे मैंने कटवर्क किया हुआ है देखें राउंड शेप में, सिर्फ फ्रंट पे है, बैक साइड पे कुछ भी नहीं है, सिंपल है, सोबर बिल्कुल। और यहाँ पे चुन्नटें डाली हुई है, ये गरारा है, गरारा ही कहते हैं ना इसको। और यहाँ पे मैंने बेल्ट लगाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने लेस लगा दी थी, और ये देखे टेसल्स मैंने बना दिए थे इसके। तो ये जो लेस है ना जो आप लोगों को दिख रही है, देखें ये लेस है, इसके ऊपर ये जो नज़र आ रही है ना ये वाली, इसको टिकड़ी कहते हैं हम लोग, तो आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं मुझे। तो ये जब मैं लगा रही थी तो काफ़ी ज़्यादा निकली थी लेस में से, तो मैंने सोचा कि ये जो फ्रंट पार्ट है ना, ये अपर पार्ट यहाँ का ये जो एरिया है उस पर मैं लगा दूँ ये वाली जो टिकड़ियाँ अलग अलग हो गई है वो, तो ये मैं ग्लू से, फैब्रिक ग्लू से चिपका दूँ देखे इस तरह से दूर दूर। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब मैंने लगा के देखा, तो अब मैं लगाऊंगी इससे, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। कूलर चालू है सो आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो ये देखें ये टेल ब्लू कलर कुछ है, हाँ टेल ब्लू है ये कलर, ये नज़र आ रहा है वो नहीं है, टेल ब्लू जो कहते हैं उसको, वो कलर है ये देखें। इसका दुपट्टा अभी सिलना बाकी है, तो जब ईद पे हुरैन पहनेगी ना दुपट्टे के साथ, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पूरा लुक किस तरह से आ रहा है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सिंपल है, सोबर सा मैंने सिया है, ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ लेस लगा दी है मैंने, पीछे यहाँ पे हुक बटन लगा दिया है ताकि बच्चों को आराम से आ जाए गले में, ठीक है। ये देखें सिर्फ फ्रंट साइड पे है कटवर्क, बैक साइड पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादा हैवी करना नहीं था, फिर बच्चे पहनते नहीं हैं, दैट्स वाई इनर भी मैंने लगाया हुआ है। ठीक हो गया जी, तो चले मैं ये लगा लेती हूँ पहले इस पर, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। और मैंने आज कुरान भी पढ़ना बाकी है, मैंने दोपहर में नहीं, सुबह नहीं पढ़ी थी, वीडियो में अपलोड करी थी, दैट्स वाई। सो मैं आज कुरान पढ़ूंगी, अभी रख देती हूँ मुसल्ला अपना, ठीक हो गया जी। तो चले मिलते हैं इफ्तारी के वक्त, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, अभी मैं ग्लू लगाऊंगी उस पर, जो टिकरी लगाऊंगी उस पर, और फिर मैं कुरान पढ़ने वाली हूँ, और हुरैन फिर उठ जाएगी तो मसला हो जाएगा, दैट्स वाई पहले कुरान पढ़ लेती हूँ। और सूरह बकरा भी मैंने आज लगाई नहीं सुबह, सो सूरह बकरा भी मैंने लगानी है। सो या इफ्तारी के वक्त मिलते हैं, बाय बाय।
हाँ जी, तो इफ्तारी भी हो चुकी है। इफ्तारी में आज कुछ खास बनाया नहीं था हम लोगों ने, दिखाऊँ आप लोगों को, रेडीमेड लेकर आए थे और वही हम लोगों ने फ्राई कर लिया था। तो दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे चाय ढूंढ रही है। हाँ जी, तो खमन पात्रे, चिकन दाना और जी क्या था, समोसे थे, फिर हम लोगों ने भजिए बनाए हुए थे दाल के, मिर्चियाँ तली हुई थी, बस यही कुछ था। और आज मैं देवर की ईदी भी आई थी तो इस वजह से थोड़ा वो लोग लेकर आए थे चिकन दाना वगैरह वगैरह, तो जी वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, फिर मुझे मज़ा नहीं आता लंबी वीडियो होती है। तो जी व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ एज़ यूज़ुअल इफ्तारी के बाद। तो चलिए जी, मैं खा रही हूँ मिस्टी डोई, मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, अपने दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सबा खैर।